अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा हफीज़ है। बेसिकली मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और कभी कभी राइटिंग्स भी कर लेती हूँ। तो अभी जो मैं पोइट्री प्रेजेंट करने वाली हूँ, तो ये एक लड़की के बारे में, आप लोग का वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट पोइट्री पे आती हूँ। वो अपने ख्यालात की सड़कों पर खोकर ढूंढती उन रास्तों को जो मिले ना उससे हकीकी रास्तों में, बुनती रहती ख्वाब उन सड़कों पर, तिनका तिनका उम्मीद का बढ़ता रहता उन ख्यालों से, वो उन ख्यालों में बुनती रही ख्वाब, ख्वाब जो हकीकत ना हुए थे उसके। ख्यालात की सड़कों पर खोकर उम्मीदें बांध कर चल पड़ती ढूंढने अपनी मंजिलों को, वो अपने ख्यालात की सड़कों पर हो जाती थी बागी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किस लड़की के बारे में, तो उस लड़की के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। एक झूमने वाला साज है, जुनूनियत की आवाज़ है, एक ऊंची परवाज है, वो एक जो दिल में खाली है वो मैं करके दिखा दूंगा। भिखारी बन के आया हूँ, शहंशाह बन के जाऊंगा। भर दो झोली, चाहे और हम।
मुझे करना भूल तू करना, मर जाऊंगा प्यार से वरना, फरहाद का पप्पा शीरी का है मामा, मजनू से कब को उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश है, कफन तेरी वफा की लाश है, ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, उसका है। आठवीं जमात की मोहब्बत को कुछ लोग बचकाना कहेंगे, कुछ लोग अहमकाना कहेंगे, लेकिन मैं इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास कहता हूँ, क्योंकि ना तो इसमें किसी किस्म की लालच शामिल है, ना ही कोई फासले, ना ये मोहब्बत मज़हब देख के हुई, ना ही फासले देख के, कुछ सीरत भाने लगी, कुछ सूरत अच्छी लगी और मोहब्बत हो चली। मेरी पहली मोहब्बत बॉर्डर के उस पार चंडीगढ़ की रहती है एक हिंदू लड़की है। हमारी सोच ख्यालात और जज्बात जैसे सभी मिलने लगे थे, ये मोहब्बत मज़हब तहजीब और सकाफत और नक्शों को फर्क जानती ही नहीं। किसी खाने पशा मालावा माला खुदादात पाकि की पैदाशे हूँ خبر ہو ماں بیا نوم بدل کو لا داد ماں تذان تک انزلی دی